हेलो एंड वेलकम। आज टॉयज पिटारा में मैं लेकर आई हूँ दीवारों पर दौड़ने वाली कार। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वॉल क्लाइंबिंग कार। तो ये है इस आरसी कार का बॉक्स एंड पैकेजिंग। ये टू कलर्स में अवेलेबल है, ब्लू और रेड, और मैंने इसका ब्लू कलर सेलेक्ट किया है। तो अब इसे बॉक्स से बाहर लेकर आते हैं और चेक करते हैं कि ये आखिर दीवारों पर चलती कैसे है। So friends, tell me, are you not excited enough to check this RC wall climbing car? वॉल क्लाइंबिंग कार बाकी आरसी कार से बिल्कुल हटकर है। इसका लुक और डिजाइन बहुत यूनिक है और साथ में ये बहुत लाइट वेट है। सो फ्रेंड्स, लुक एट इट्स अमेजिंग डिजाइन। ये बिल्कुल बैटमैन की बैट मोबाइल कार का लुक दे रही है। इसके बैक साइड में आप देख सकते हो ये चार्जिंग पॉइंट दिया गया है और इसे चार्ज करने के लिए ये USB केबल भी दी गई है। और चार्जिंग पॉइंट के ठीक नेक्स्ट है ये ऑन एंड ऑफ बटन, जो कि दो मोड पर है। सेंटर पर लाने से ये फ्लोर पर चल सकती है और लेफ्ट लेकर आने पर इसे हम वॉल पर चला सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हो कि बैक साइड में लाइट्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है और इवन कि इसके फ्रंट में भी लाइट दी गई है। तो जैसे ही इस बटन को वॉल मोड पर लाते हैं ये साउंड करने लगती है और उसके साथ ही इसके बैक में यहाँ अंदर में एक फैन स्टार्ट हो जाता है जो कि एयर को सक करता है ताकि वैक्यूम क्रिएट हो जाए और ये दीवार से चिपक जाए। इस कार के ये जो टायर्स हैं ये सिर्फ शो के लिए है और ये मूव नहीं करते। इसके एक्चुअल टायर्स यहाँ अंदर में हैं। ये हिडन टायर्स हैं जिनके ऊपर ये रबर ग्रिप दी गई है ताकि ये दीवार पर बड़ी स्मूदली मूव कर सकें। इस कार की तरह इसका रिमोट कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इसे ऑपरेट करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। इस जॉयस्टिक बटन से इसे फ्रंट और बैक में मूव किया जाता है और इस राइट बटन से इसे राइट एंड लेफ्ट साइड में मूव किया जाता है। और कार को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ से इसे ऑन करना होता है। ये इंफ्रा रेड रिमोट कंट्रोल है, इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि इस कार को ऑपरेट करते वक्त इसकी पोजीशन हमेशा कार की डायरेक्शन में ही रहे। तो इस वॉल क्लाइंबिंग कार को चार्ज होने में अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स लगते हैं। चार्जिंग के वक्त बस ये ध्यान रखना है कि ये ऑफ मोड में रहे और साथ में जब ये चार्ज हो जाए तब इसे 10 मिनट्स तक के लिए कूल डाउन होने के लिए छोड़ दें और उसके बाद ही इसे ऑपरेट करें। सो लेट्स स्टार्ट इट्स टेस्टिंग नाउ। तो सबसे पहले इसे मैं टेबल पे ऑपरेट करूंगी। और इस कार को 360 डिग्री तक रोटेट भी किया जा सकता है। तो अब मैं इसे वॉल पर ऑपरेट करूंगी और इसीलिए मैं वॉल मोड ऑन करूंगी, उसके साथ ही ये वॉइस करने लगेगा। आप देख सकते हो ये वॉल पे एकदम पेस्ट हो गई है। And I am really amazed by its performance on the ceiling. Wow! So friends, अब आप इसकी अंधेरे में lighting effects देख सकते हो। यह है इसकी front light जो कि blue color में glow करती है। इसकी back light red color में है, जिसका effect कितना appealing है आप खुद देख सकते हो। तो ये है इस कार का अमेजिंग इफेक्ट इन 360 डिग्री रोटेशन पैटर्न।
तो ओवरऑल अगर वॉल क्लाइंबिंग कार का रिव्यू किया जाए तो ये तो कहना होगा कि एक टोटल गेम चेंजर आरसी कार है। ये लाइट वेट है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि ये फ्लोर, वॉल और सीलिंग पर बड़ी स्मूथली चलती है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि ये वॉल की जब एंड पर पहुंच जाती है तब वो उस एंड को क्रॉस करके दूसरी वॉल पर नहीं चल सकती, और अगर ऐसा करने का ट्राई किया जाए तो सक्शन पैटर्न लूज हो जाता है और ये नीचे गिर जाती है। लेकिन गिरने से भी इसमें कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आती और ये फिर से स्मूथली उसी तरीके से चलने लगती है। तो इसीलिए वॉल क्लाइंबिंग कार को परचेज किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये आरसी वॉल क्लाइंबिंग कार ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है, और आप अगर इसे परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू भी परचेज कर सकते हो। और फ्रेंड्स, मैंने आरसी कार में मोका कार, स्टंट कार, फरारी कार और ट्रांसफॉर्मर्स कार जैसी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाई हैं, तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर से चेक कर लेना। टॉयज पिटारा चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन में ज़रूर से प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो जब तक मैं अपनी अगली वीडियो के साथ आऊँ, तब तक के लिए बाय।